हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द किन इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हरियाणा के अंदर जो आईटीआई का एडमिशन फॉर्म चल रहा है उसका पोर्टल जो है ऑनलाइन काम कर रहा है। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप जो भर सकते हैं। जिन दोस्तों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है उसकी लास्ट डेट को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, ये कब तक बढ़ाया गया है ये जानकारी आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। कब काउंसलिंग होगी इसके बारे में भी आप सभी दोस्तों को बताऊंगा। उससे पहले बता देता हूं दोस्तों कि आईटीआई का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाना है, जो स्टार्ट हो चुका था काफ़ी समय पहले, उनकी लास्ट डेट थी उसको जो आगे पोस्टपोन कर दिया गया। आईटीआई हरियाणा एडमिशन डॉट एनआईसी डॉट इन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस और जो रिक्रूटमेंट की इसकी नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है, वो जो है वो ऑनलाइन जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि ये रहेगा आईटीआई में मेरिट सूची का शेड्यूल, यानी जो काउंसलिंग होगी वो किस प्रकार से होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन फॉर्म जो ऑनलाइन भरा जाना था उसकी लास्ट डेट को बढ़ा करके 7 अक्टूबर जो है कर दिया गया है। पहली जो मेरिट लिस्ट लगेगी दोस्तों वो लगेगी 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को पोर्टल पे पहली लिस्ट लग जाएगी। जिन दोस्तों का एडमिशन हो जाएगा इसके अंदर, जिनका नाम आएगा लिस्ट के अंदर, वो कैंडिडेट अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे करके कॉलेज के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। पहली लिस्ट में शामिल होने वाले विद्यार्थी करवा सकेंगे फिजिकल जांच, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 11 यानी 12 तारीख से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में, या फिर 12 तारीख से 14 तारीख के जब मर्जी जा करके अपने जो डॉक्यूमेंट है, जिन दोस्तों का लिस्ट में नाम आया है वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर के यहाँ पे कॉलेज के अंदर जमा करवा सकता है। जो वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की फिजिकली वो करवा सकता है। इसके अंदर आपको क्या है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें 10वीं का 12वीं का सर्टिफिकेट है, या फिर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है, या फिर किसी का SC BC का सर्टिफिकेट है, हरियाणा का डोमोसाइल है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, और जो फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इस समय फिजिकली जांच के अंदर लेकर जाने हैं ओरिजिनल। इसमें दोस्तों पहली मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले विद्यार्थी जमा करवा सकेंगे अपनी फ़ीस। तो जो कैंडिडेट लिस्ट में नाम आता है 11 तारीख को जो लिस्ट लगेगी उसकी बात कर रहा हूँ, वो कैंडिडेट 12 तारीख से लेकर के 16 अक्टूबर तक जो अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। खाली सीट होगी अलॉटमेंट, यानी जो खाली सीट होगी वो फिर वेबसाइट पे दिखाई जाएगी, वो 18 अक्टूबर को सीन करवाई जाएगी। ये इतनी इतनी सीटें खाली बची हुई है, अगर कोई दूसरा उम्मीदवार उसमें भाग लेना चाहता है तो जो सेकंड काउंसलिंग के लिए पोर्टल खोला जाएगा 20 तारीख को, तो वो 20 तारीख को अपनी दोबारा से जो ट्रेड है वो भर सकता है एडमिशन के लिए। ये तो था दोस्तों पहले राउंड के लिए। अभी बात करते हैं दूसरी मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, दूसरी मेरिट लिस्ट जो है 22 अक्टूबर को लगेगी। 22 अक्टूबर को दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी और इसका जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 22 तारीख से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में होगा। दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले विद्यार्थी जो फीस जमा करवा सकते हैं वो 22 से लेकर 26 अक्टूबर तक जो उनकी ऑनलाइन फ़ीस होती है एडमिशन की, 600 रुपये 700 रुपये, वो जो है ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। खाली सीट जो 28 अक्टूबर को दोस्तों वेबसाइट पे फिर से डाली जाएगी कि इस इन कैटेगरी के अंदर ये जो ट्रेड्स है वो बची हुई है, जो कैंडिडेट है वो दोबारा से अपने जो है ट्रेड चेंज करके दोबारा से कॉलेज अप्लाई कर सकता है। पोर्टल को ओपन किया जाएगा। आवेदन के लिए दोस्तों जो पोर्टल ओपन होगा वो होगा 28 और 29 अक्टूबर को। तो इसके बारे में दोस्तों आपको बता दिया है। दो फिजिकल जो काउंसलिंग होगी, इनके फिजिकल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट शामिल करवाने होंगे, जो वेरिफिकेशन होगा ये पहले लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद में ही आपको जो है ये दस्तावेज चेक करवाने होंगे। इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तुरंत ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके हमें बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो हम जानकारी आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं आप भी अपने दोस्तों में आगे इसको शेयर करते रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।